तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो अभी हम बात करेंगे बाइक के इंजन के ऊपर, वो भी इंजन में गियर बॉक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आया था और जो बाइक में जो गियर फंसने का प्रॉब्लम है उस पर हम बात करें, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी सुना होगा या आपके दोस्त फ्रेंड्स लोगों ने बतलाया होगा कि भाई देखिए मेरे बाइक में 3 नंबर गियर फंस रहा है। और ज़्यादातर करके जो बाइक में प्रॉब्लम आता है वो 3 नंबर गियर में ही प्रॉब्लम आता है। बहुत बाइक में आपने भी देखा कि 3 नंबर गियर छोड़ देता है, चलते चलते गियर छूट गया या गियर अटक जाता है। गियर लगाने के बाद घर 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 का इंजन से साउंड आने लगता है, वो गियर छोड़ता है पकड़ता है, उस टाइम कौन पिनियन खराब हो जाता है, उसका गियर गुल्ला खराब हो जाता है या फिर गियर शिफ्टर जो एक आता है वो खराब हो जाता है, या इस तरह के गियर फ्रॉक बोल सकते हैं या फिर इसको गियर डग बोल सकते हैं, ये खराब हो जाता है। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल बाइक पार्ट खजूर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। करेंगे वो हीरो हुंडा हो या फिर हीरो स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, एचएफ डिलक्स है, सीडी डिलक्स है या फिर एचएफ डिलक्स BS6 है, स्प्लेंडर BS6 है, स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है, न्यू मॉडल है, इनसे मुझे कोई भी डिफरेंट है, बट इन सभी बाइक में एक ही गियर बॉक्स लगा है। तो 3-4 जैसे होता है उसी में 4 गियर होता है, बहुत बाइक में 5 गियर होता है, बट हीरो होंडा स्प्लेंडर और सब में 4 गियर ही होता है। फ्रेंड्स देखिए ये है गियर सेलेक्टर, जो कि बहुत बाइक में गियर सेलेक्टर खराब रहता है उसके प्रॉब्लम से गियर फंसने का प्रॉब्लम है। एक आ जाता है गियर शिफ्टर, जिसको हम लोग गियर गुल्ला बोलते हैं, ये मोटा वाला भाग है, ये गियर गुल्ला आ गया, ये भी खराब रहेगा तो भी बाइक में गियर फंसेगा, बट ये जो बाइक में खराब होता है वो गियर शिफ्टर ही खराब होता है। गियर शिफ्टर किस तरह से खराब होता है वो भी आपको आगे वीडियो में बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आप देखिए गियर शिफ्टर एंड सेलेक्टर एक ही एक जगह किस तरह से देखिए अटैच हुआ है, और इसको बहुत मैकेनिक भाई लोग गियर डग भी बोलते हैं और इसको गियर गुल्ला भी बोलते हैं। क्या आप लोग क्या बोलते हैं एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बट जो ये इसका जो जेन्युइन नाम है गियर सेलेक्टर एंड गियर शिफ्टर, इसका जेन्युइन नाम है जो हमारे PDF के अकॉर्डिंग है। PDF में गियर शिफ्टर एंड गियर सेलेक्टर ही इसका नाम बतलाया है। बट इससे पहले आप लोगों को बतला दें, पहले इस पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसके बाद गियर पिनियन पे बात करेंगे। ये जो गियर सेलेक्टर है इसमें यहाँ पे देखिए एक पिन लगा है, एक यहाँ पे लॉक लगा है, इसके अंदर में एक पिन लगा है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, लॉक को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे आस्ते से, लॉक उड़ भी जाता है उस टाइम आपको आस्ते से बाहर नहीं, देखिए लॉक को हम बाहर निकाल लें। अब इसके अंदर पिन है, इसको बाहर निकालेंगे, कोई भी चीज़ से थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से इस पर दबाव डालेंगे तो पिन ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। देखिए पिन बाहर निकल गया और ये देखिए गियर सेलेक्टर जो है वो खुल करके बाहर आ गया गियर शिफ्टर से। इसी तरह से हम दोनों ही गियर सेलेक्टर को खोल करके बाहर निकाल लेंगे, देखिए दोनों लॉक को बाहर निकाल लिया। अब जो हमारा दोनों पिन भी बाहर निकल गया, गियर शिफ्टर अलग हो गया, गियर सेलेक्टर अलग हो गया। ये जो हमारा बाइक में दिया है ये न्यूट्रल पत्ती है, बहुत बार आपने भी देखा कि न्यूट्रल पत्ती टूट जाता है हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक में, न्यूट्रल लाइट जलना बंद होता है। बहुत बार ऐसा है कि बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा तो भी न्यूट्रल लाइट वर्क नहीं करेगा, या स्विच में प्रॉब्लम रहेगा, वायरिंग प्रॉब्लम है तो भी वर्क नहीं, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रल पत्ती टूटने के प्रॉब्लम से ही न्यूट्रल लाइट जलना बंद कर देता है। और ये न्यूट्रल पत्ती को चेंज करने के लिए आपको बाइक का फुल इंजन को ओपन करना पड़ेगा। गियर शिफ्टर हो गया, गियर शिफ्टर खराब किस तरह से होता है, जैसे ये जो आप रेखा रेखा देख रहे हैं इसमें हमारा ये पिन जो है इसमें इस तरह से वर्क करता है, इसमें गियर सेलेक्टर लगा रहता है, बट अगर इसका कहीं से बाइक प्रेस जबरदस्ती गियर लगाने के प्रॉब्लम क्या होता है, इसका कोरी है कहीं ना कहीं से क्रैक कर जाता है, झड़ जाता है, इसके प्रॉब्लम से भी क्या होता है हमारा गियर जो है अटकने लगता है, बट ये इतना जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं आता है। जल्दी जो गियर फंसने का प्रॉब्लम आता है वो आता है इस पिन को घिसने से, ये पिन भी इतना जल्दी खराब नहीं होता, ये जो आप छोटा भाग दिख रहे पिन भी इतना जल्दी खराब नहीं होता। अब आप लोगों का मन में डाउट आता होगा कि भाई गियर फंसने का जो मेन प्रॉब्लम, गियर अटकने का जो प्रॉब्लम आ जाता है, जो घर 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 का साउंड आने लगता है, 3 नंबर गियर छोड़ देता है, इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है, वो होता है ये गियर सेलेक्टर के घिसने के प्रॉब्लम से। देखिए गियर सेलेक्टर जो यहाँ पे घिस गया है, किस तरह से घिसा हुआ है आप यहाँ पे कैमरा में साफ साफ आप देख रहे हैं, कैमरा को थोड़ा नज़दीक से फोकस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए किस तरह से कटा हुआ, जबकि ये ऊपर तक ये बिल्कुल प्लेन रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरफ से बिल्कुल प्लेन है, इसी तरह से इस तरफ भी प्लेन रहते हैं, और ये जो है 3 नंबर गियर में इस वाले एरिया में इस तरह से फिट रहता है, देखिए इस तरह से फिट रहता है। यही जो घिस जाता है तो प्रॉपर क्या होता है, ये जो पिनियन है ये, और ये जो 3 नंबर का गियर पिनियन है इसमें ये प्रॉपर
अटकता नहीं है। ज्यादातर बाइक में जो खराब होता है 3 नंबर गियर में ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 1 नंबर बाइक में हम गियर लगा करके बाइक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ दूर आगे चल जाते हैं, फिर हम 2 नंबर डाल देते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाइक में 3 नंबर गियर डाल देते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद 4 नंबर डालते हैं। जैसे ब्रेकर या कोई गड्ढा आता है तो हम 1 गियर चेंज करके फिर 3 नंबर बाइक को चलाते लग ड्राइव करने लगते हैं, बट 3 नंबर गियर में बाइक ज़्यादा ड्राइव होता है, ये आप लोगों की पता होगा। और 3 नंबर का जो गियर फंसने का जो मेन प्रॉब्लम, गियर छोड़ देता है चलते चलते बाइक में, ज़्यादातर जो है गियर सेलेक्टर को कटने के प्रॉब्लम से गियर में प्रॉब्लम आता है, न कि गियर पिनियन खराब हो जाता है। इतना जल्दी गियर पिनियन नहीं खराब हो, ये 3 नंबर का गियर पिनियन है, कितना दाता का पिनियन है, 2 नंबर का कौन पिनियन, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर ही बतलाएंगे। बट गियर जो ज़्यादा अटकता है, गियर ज़्यादा फंस जाता है चलते चलते बाइक में, अचानक गियर छूट जाता है, इन सब के लेकर ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो गियर सेलेक्टर को लेकर के ही आता है। अगर आप लोग को बाइक में अगर गियर के लेकर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बाइक का फुल इंजन ओपन करवाने के बाद ही गियर सेलेक्टर को हम चेंज कर पाएंगे, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, 3 नंबर गियर अचानक छूट जाता था, बाकी बाइक न व्हाइट स्मोक कर रहा था न ही धुआं दे रहा था। अब बाकी हमने चेकअप किया था, 3 नंबर का गियर पिनियन देखिए अभी प्रॉपर सही है, उसके बाद ये पिनियन भी प्रॉपर सही है। बाइक में जो मेन प्रॉब्लम था, बाइक में जो मेन प्रॉब्लम जो गियर सेलेक्टर को कटने से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, गियर सेलेक्टर को घिसने से ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कंपनी जो गियर सेलेक्टर बनाता है उसको कुछ अच्छा मटेरियल का गियर सेलेक्टर बनाना चाहिए, ताकि जल्दी गियर सेलेक्टर वाले एरिया घिसे ना, जल्दी घिसेगा नहीं तो फिर बाइक का फुल इंजन का काम करवाना नहीं पड़ेगा। एक हो गया कि 3 नंबर गियर छोड़ने का जो एक प्रॉब्लम और हो जाता है कि अगर ये गियर पिनियन का ये जो भाग है ये घिस जाएगा, या इसका कोई इधर से पिनियन वगैरह दांता टूट जाएगा तो भी 3 नंबर गियर छूटेगा। अगर 2 नंबर गियर का दांता टूट गया है तो 2 नंबर छोड़ेगा, 1 नंबर का टूट गया तो 1 नंबर छूटेगा, 4 नंबर का दांता टूट गया तो 4 नंबर छूटेगा। लेकिन ज़्यादातर बाइक में 3 नंबर गियर का ही प्रॉब्लम आता है। क्या आप लोगों के साथ भी 3 नंबर गियर छोड़ने लगने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग आते हैं इसको लेथ से हम रिपेयर भी करवा सकते हैं, बट इसको रिपेयर नहीं करवाना है, गियर सेलेक्टर को आपको चेंज कर देना। जब भी आप गियर सेलेक्टर चेंज करते हैं, दोनों गियर सेलेक्टर आप बाइक में नया डालिए, ना कि एक खराब है तो एक को चेंज कर दिए, दूसरे वाले थोड़ा घिसा है तो इसको छोड़ देते, ऐसा नहीं करना है। दोनों ही गियर सेलेक्टर को आपको न्यू डालना है। अगर एक गियर सेलेक्टर का प्राइस का बात कर ले तो 400 कुछ रुपया एक गियर सेलेक्टर का प्राइस है, और दोनों गियर सेलेक्टर चेंज करेंगे तो 800 रुपया समथिंग प्राइस आ जाएगा। जो अभी का प्राइस है वो मैं बता रहा हूँ, 400 या 250 इसका प्राइस है। तो मेन जो है गियर सेलेक्टर चेंज करें तो गियर का ये पिन भी चेंज कर देना चाहिए। तो आपको पिन को प्रॉपर अच्छा चेकअप करना है, यहाँ से अगर पिन काटा नहीं या पिन घिसा हुआ तो नहीं है ये भाग, लेकिन ये पिन वगैरह जल्दी घिसता नहीं है, ज़्यादा तो घिसता है वो गियर सेलेक्टर ही ये घिसता है। उसके बाद ये बात कर लें, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में गियर गुल्ला बोलते हैं, तो गियर गुल्ला में आपको चेकअप करना रहता है ये वाले एरिया, एक आपको ये पॉइंट ज़्यादा चेकअप करना है, दूसरा ये पॉइंट चेकअप करना है। अगर ये दोनों ही पॉइंट झड़ता है, मेरे पास भी एक बाइक आया था इससे पहले जिसमें एक का भाग यहाँ से टूट गया था, थोड़ा ही कोरी झर गया था इसके लेकर, और एक कोरी यहाँ से झरा था, एक कोरी यहाँ से झरा था, इसके लेकर बाइक में 1 नंबर और 3 नंबर दोनों गियर छूट जाता था चलते चलते बाइक में, तो कुछ ऐसा ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं गियर पिनियन के ऊपर, शाफ्ट जिसको हम लोग काउंटर शाफ्ट बोलते हैं, दूसरा हो गया ये क्लच शाफ्ट, जिसमें क्लच हाउजिंग वगैरह इसे बाहर वाले एरिया में लगा रहा था, क्लच हाउजिंग वगैरह क्लच प्लेट लगा रहा था, बट ये गियर बॉक्स का जो प्रक्रिया है वो इतना ही है गियर पिनियन स्पोकेट वाले एरिया का। स्पोकेट वाले शाफ्ट में आपको 1 नंबर और 3 नंबर गियर पिनियन का आपको सिस्टम मिल रहा है। तो 1 नंबर का गियर पिनियन जो है ये है, 1 नंबर गियर पिनियन का जो सबसे बड़ा वाला जो गियर पिनियन है, 1 नंबर का गियर पिनियन है, और इसका दांता का बात कर ले तो इसमें 35 टी लगा, यानी कि इसमें 35 दांता लगा हुआ है। इसके ऊपर से देखिए इस तरफ के एक वार्सल लगा है, एक ये गियर पिनियन है 1 नंबर का और ये 35 टी का है, इसके बाद इसमें एक बूस लगा हुआ है ये जो, उसके बाद ये जो पिनियन हो गया ये आपको हो गया 29 दांता का, जो कि 1 नंबर और 3 नंबर गियर को यहाँ से रन करता है। गियर शिफ्टर चेंज करते हैं यही पिनियन जो है ऊपर नीचे होता है, बाकी ये जो गियर पिनियन है ये अपने जगह पर स्थित रहता है। गियर चेंज करते वक्त यही जो है गियर शिफ्टर वाले पिनियन जो है यही आगे पीछे होता है, जो ये देख रहे खाँचा खाँचा बना हुआ है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होता है इस हॉल से टच कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये पॉइंट है और इस पिनियन के अंदर में हॉल है, जैसे हम गियर शिफ्टर को चेंज करेंगे तो ये पिनियन इस तरह से रन इसके अंदर रन करता है, और ये क्या होता है इसमें जाकर के अटक जाता है, ये फॉल्स रन करते रहता है, और ये स्पोकेट से लॉक होकर के रन करता है, यानी कि ये स्पोकेट शाफ्ट से लॉक रहता है और ये लॉक होकर के रन करते हैं। फुल असेंबल अभी रन कर रहा है, जैसे ये इसके अंदर हॉल से यहाँ पर फंस गया
जैसे इसके अंदर गया तो ये प्रॉपर लॉक हो गया, फिर ये 3 नंबर का गियर लग गया। और ये जो रहता है ये इस तरह से रहता है अटैच, देखिए इस तरह से अटैच रहता है, यही हो ऊपर नीचे, जब हम गियर को ऊपर नीचे करते हैं इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो हमारा स्पोकेट शाफ्ट में जो गियर पिनियन वाला स्पेशल पिनियन लगा है जो दोनों गियर को ड्राइव करता है, रन करता है, वो आपको 29 टी का ये पिनियन आपको मिल रहा है, यानी कि 29 दांता के पिनियन मिला। अब उसके बाद बात कर ले तो 3 नंबर का जो गियर पिनियन है, जो 3 नंबर का ये जो गियर पिनियन है ये आपको 26 दांता का आपको मिल रहा है, 26 टी का ये पिनियन मिल रहा है। और ज़्यादातर बाइक में जो 3 नंबर का गियर पिनियन खराब होता है, वो ज़्यादातर बाइक में 3 नंबर का ही गियर पिनियन खराब होता है। अगर ये टोटल पार्ट सही है तो आपको 3 नंबर गियर पिनियन आप चेंज कर दिए, 3 नंबर का गियर फंसने का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और पिनियन का प्राइस का बात कर ले तो 450 रुपये समथिंग प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो एक पिनियन आपको यहाँ पे लगा है ऊपर में, एक पिनियन ये ऊपर में लगा है। इस पिनियन का दांता का बात कर ले 23 टी का ये पिनियन आपको मिल रहा है। और ये पिनियन आपको दोनों शाफ्ट को एक साथ रन करने के लिए दिया रहता है। यहाँ पे देखिए ये पिनियन आपको इससे लॉक हो जाएगा, देखिए ये इससे प्रॉपर ये लॉक हो जाएगा, देखिए लॉक हो गया पूरा असेंबल ये रन करने लगा। और ये पिनियन खराब नहीं होता है, ये पिनियन खराब नहीं होगा 23 टी का, खराब होगा इसी आवरण जब इसका दांता ढट जाएगा तभी ये खराब होगा। और ये 23 टी का आपको पिनियन मिल रहा है। अब वार्सल का बात करें तो देखिए एक वार्सल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अब ये बिल्कुल प्रॉपर लॉक है। अगर इंजन ओपन करते वक्त आपका अगर मान लीजिए गियर पिनियन आपको पार्ट बाय पार्ट बिछड़ गया तो सबसे पहले आपको पीछे से सेटिंग करना है, एक वार्सल इस तरह से आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको 3 नंबर का गियर पिनियन मिल रहा है, इस पिनियन को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद एक वार्सल को आपको यहाँ पर डाल देना है, बाकी फिर उसके बाद इस तरह का एक पिनियन मिल रहा है, इस पिनियन को आपको डाल देना है। उसके बाद आपको फिर एक वार्सल आपको यहाँ पर डाल, देखिए यहाँ तक का पिनियन का काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते इस तरफ से, इस तरफ से 1 नंबर वाले गियर पिनियन में आपको इस तरह का आपको बूस्ट मिल रहा है, बूस्ट को यहाँ पर डाल देना है। और इस पिनियन को आपको जिस तरह से डीपली गड्ढा है उस वाले एरिया को आपको ऊपर रखना है, इस तरह से डाल देना है। उसके बाद बिल्कुल पतला वाले वार्सल को यहाँ पर डालना है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर का गियर पिनियन का काम मेरा कंप्लीट हो गया। और ये स्पोकेट शाफ्ट वाले एक्सल स्पोकेट शाफ्ट वाले जो पिनियन था इसका काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्लच शाफ्ट वाले पिनियन पे, तो क्लच शाफ्ट वाले पिनियन में एक ही पिनियन आपको बाहर निकल लेगा इंजन ओपन करते वक्त, देखिए यही पिनियन बाहर निकलेगा, बाकी ये सभी पिनियन आपको लॉक किया रहता है। और इसमें आपको लगा है 2 नंबर का ये पिनियन हो गया और 4 नंबर का ये पिनियन हो गया जो बिल्कुल छोटा है। 4 नंबर भी पिनियन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, अगर आपके बाइक में 4 नंबर गियर पिनियन से साउंड आ रहा है घर घराहर का, उस टाइम आपको ये पिनियन आपको चेंज करना पड़ेगा। उस पिनियन को चेंज करने के लिए आपको लॉक प्लास का यूज करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे लॉक लगा है देखिए इस तरह से मान लीजिए लॉक लगा है, इस लॉक को आपको इस तरह से आहिस्ते से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ये जो फॉल्स पिनियन है जो गियर शिफ्टर में जो पिनियन फिट होता है, इस पिनियन को आपको बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद एक लॉक किसके अंदर दिया है, इस लॉक को बाहर निकाल लेना। फिर इसके अंदर में एक वार्सल दिया, इस वार्सल को बाहर निकाल लेना। फिर उसके बाद 4 नंबर का गियर पिनियन प्रॉपर बाहर निकल जाए। चलिए इसको हम सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि इसको बाहर अभी निकालना नहीं। चलिए इस लॉक को भी हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। लॉक को इसी तरह से आपको ऐसे सेटिंग करना, लॉक को ज़्यादा आपको फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो अचानक लॉक आपको खुल भी सकता है बाइक ड्राइव करते वक्त। देखिए प्रॉपर ये लॉक हमारा सेटिंग हो गया, देखिए पिनियन प्रॉपर हमारा लॉक यहाँ पे सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें कितना पिनियन का, और एक देखिए एक वार्सल ये है जो कि इसके ऊपर से यहाँ पे आ जाता है, बाकी इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। सबसे आसान है हीरो होंडा हो गया, पैशन प्रो हो गया, स्प्लेंडर HR प्लस, इन सभी बाइक का गियर बॉक्स फिट करना बिल्कुल आसान है अगर आपको समझ में आ गया तो। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसमें कितना कितना टीका कौन पिनियन लगा है, ये जो यहाँ पे बात करें तो क्लच शाफ्ट जब आप चेंज कीजिएगा तो ये पिनियन आपको इसके जाम ही मिलेगा, तो इस पर तो ज़्यादा डिस्कस करना नहीं। अगर इसका दांता टूट गया तो आपको क्लच शाफ्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो एक यहाँ पे जो आता है जो 4 नंबर का हमारा गियर पिनियन है, ये पिनियन आपको 17 दांता का आ जाएगा, यानी कि 17 टीका आपको ये पिनियन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लें तो दूसरा आपको जो पिनियन हो गया ये वाले जो 4 नंबर और 2 नंबर को गियर पिनियन को रन करने के लिए ऊपर नीचे स्लाइडिंग करता है इस तरह से, ये पिनियन आपको 21 दांता में मिल जाएगा, यानी कि 21 टी में ये पिनियन आपको मिल जाएगा। बट ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता है, मेन जो ख़राब होता है गियर पिनियन ही ख़राब होता है। उसके बाद बात कर लें तो जो हमारा 2 नंबर का गियर पिनियन है ये आपको 24 टी का मिल जाएगा, यानी कि 24 दांता का ये पिनियन आपको मिल जाएगा।
अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऊपर आपको डिस्प्ले पे आपको पीडीएफ से लिख करके इसको तैयार किया तो आपको होम स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन ऐसे ही प्रक्रिया इसका कंप्लीट होता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे से ये ज्वाइंट हो जाता है। देखिए इस तरह से हम इसको सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह सेटिंग करके एक गियर फ्रॉक यहाँ पर आ जाता है, दूसरा वाला यहाँ पर आ जाता है, इसके अंदर से गियर गुल्ला फिट रहता है इस तरह से। देखिए इसको अभी हम पार्ट बाय पार्ट ओपन किए हैं, इसको आप लोगों को दिखलाने के लिए वैसे नॉर्मली इसको हम सेटिंग कर दिए हैं। देखिए इस तरह से इसका काम जो है कंप्लीट रहता है और इतना भाग जो है गियर को वर्क करने के लिए लगा रहता है, बाकी इसके ऊपर से ये जो हॉल आप देख रहे हैं 6 इस हॉल में छोटे छोटे पिन लग जाता है, इसके ऊपर से पत्ती वगैरह गियर शिफ्टर लग जाता है जिसको गियर लीवर बोलते हैं, वो सब लग करके गियर हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाए। बट जो मेन जो गियर पिनियन का जो प्रक्रिया है वो इतना ही है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि कौन कौन गियर पिनियन किस काम के लिए, तो 3 गियर पिनियन जो छोड़ने का प्रॉब्लम है, 3 में गियर से घरघराहट का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए कौन पार्ट चेंज करना है अब आप लोग तो जान गए होगा। आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन हम बताया है पहले से मालूम था ना, आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं और मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि आपका वर्कशॉप कहते हैं। देखिए मेरा वर्कशॉप है बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आप लोग मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद बात करें तो अगर हमारे वर्कशॉप पर आना चाहते हैं बाइक रिपेयर या सर्विस करवाने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वर्कशॉप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे वर्कशॉप पर आ सकते हैं। मंगलवार को मेरा वर्कशॉप क्लोज रहता है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।